वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 11th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, इसके बाद हमारा इस 11वें लेक्चर के बाद एक और लेक्चर होगा 12वां लेक्चर, जिसके बाद हम अपने फर्स्ट लेक्चर को लगभग खत्म कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 12वें लेक्चर में मैं चैप्टर 1 को फिनिश कर दूं, मोस्ट प्रोबेबली मैं खत्म कर दूंगा 12वें लेक्चर में। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ था सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और उसके इन्वर्जन के बारे में, विच वॉज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमारा जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड द इन्वर्जन जो हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ है, क्लियर है भाई। इस लेक्चर में अब हम क्या कवर करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। जी, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म अब तक हमने पढ़ा है, मतलब जिसमें हमारी मैकेनिज्म में सिंगल स्लाइडर होता था। नाम क्या है? सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इसमें हम डबल स्लाइडर मैकेनिज्म, मतलब इसमें हमारे पास दो स्लाइडर होंगे, ठीक है, और उसके इन्वर्जन के बारे में देखेंगे। तो जैसे हमने सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में चार इन्वर्जन देखे थे, ठीक है, कि जब बारी बारी से हम लिंक को फिक्स करते जा रहे थे तो हमें चार इन्वर्जन मिल रहे थे, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म में हमें कितने इन्वर्जन मिलेंगे? 3। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेता है व्हाट इज द नंबर ऑफ इन्वर्जन इन सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और व्हाट इज द नंबर ऑफ इन्वर्जन इन डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। तो आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। वैसे भी अभी हम देखेंगे तो आपको अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डबल स्लाइडर मैकेनिज्म, अब देखिए डबल स्लाइडर मैकेनिज्म में इसकी प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले तो इसमें चार लिंक होगी, ठीक है, इसमें चार लिंक होगी। दूसरा, इसमें दो टर्निंग पेयर होंगे और साथ में इसमें दो होंगे क्या, स्लाइडिंग पेयर। चार लिंक, दो टर्निंग पेयर, दो स्लाइडिंग पेयर। अब ये दिखता कैसा है, देखिए मैंने बोला डबल स्लाइडर मतलब हमारे मैकेनिज्म में कितने स्लाइडर होंगे? सर हमारे मैकेनिज्म में दो स्लाइडर होंगे। देखिए कैसे दिखेगा ये, ये होती है हमारी स्लॉटेड प्लेट। स्लॉटेड का मतलब, जब भी मैं स्लॉटेड शब्द बोलता हूं इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस काटा गया है, मतलब जिसके अंदर हमारा स्लाइडर मूव कर सकता है या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। स्लॉटेड का मतलब होता है कि उसके अंदर चीजें मूव कर सकती हैं। स्लॉट एक जगह बनाई गई है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने दो स्लाइडर को फिक्स किया, दो स्लाइडर को हमने अंदर बैठा दिया। देखिए कैसे दिखेंगे स्लाइडर, ये हमारे हो गए दो स्लाइडर। जैसे स्लाइडर नंबर 1, जैसे स्लाइडर नंबर 2, और इन दोनों स्लाइडर को मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया एक कनेक्टिंग रॉड, दिखा दे रहा है, इन दोनों स्लाइडर को यहां पर मैंने एक कनेक्टिंग रॉड से जोड़ दिया। अब यहां पर हमारे पास कितनी लिंक दिखाई दे रही है, देखिए डबल स्लाइडर मैकेनिज्म में हमारे पास कितनी लिंक होती है जरा देखिए। तो दिस इज स्लॉटेड प्लेट या स्लॉटेड बार, जिसको आप बोल सकते हो लिंक नंबर 1। ये जो हमें स्लॉटेड, जिसके अंदर होल किया गया है या स्पेस बनाया गया है, ये हमारी स्लॉटेड प्लेट, ठीक है। ये है हमारी स्लॉटेड प्लेट, दिस इज लिंक नंबर 1। उसके बाद ये एक स्लाइडर, हमारे पास दो स्लाइडर है, तो ये पहला स्लाइडर हो गया जिसको मैंने बोला लिंक नंबर 2, दिस इज लिंक नंबर 2, दिस इज लिंक नंबर 1। दूसरा स्लाइडर जिसको मैंने बोल दिया लिंक नंबर 3, एंड
दिस कनेक्टिंग रॉड, जो दोनों स्लाइडर को कनेक्ट कर रहा है, जो दोनों स्लाइडर को कनेक्ट कर रहा है वो क्या है हमारा कनेक्टिंग रॉड, जिसको मैंने बोला लिंक नंबर फोर, लिंक नंबर। तो यहां पर डबल स्लाइडर मैकेनिज्म में हमारे पास कितने लिंक है, हमारे पास लिंक है फोर लिंक, हमारे पास कितनी लिंक है फोर लिंक। अब देखिए दो टर्निंग पेयर कैसे, देखिए दो टर्निंग पेयर ऐसे कि एक टर्निंग पेयर को मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, एक टर्निंग पेयर मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, जो एक स्लाइडर और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ रहा है, और दूसरा टर्निंग पेयर कहां पर है, दूसरा टर्निंग पेयर यहां पर है, दिखाई दे रहा है। तो कनेक्टिंग रॉड और स्लाइडर के बीच हमने कैसा कनेक्शन किया हुआ है, कनेक्टिंग रॉड और स्लाइडर के बीच हमने टर्निंग पेयर किया है। तो सर स्लाइडिंग पेयर कहां दिखाई देगा, मतलब जहां पर कोई चीज एक दूसरे के ऊपर फिसल रही है, ठीक है। तो स्लाइडिंग पेयर हमको कैसे दिखाई देता है, स्लाइडिंग पेयर मुझे ऐसे दिखाई देता है कि जब किसी फिक्स सरफेस पर या किसी सरफेस पर हमारा स्लाइडर क्या करे, हमारा स्लाइडर रेसिप्रोकेट करे या मूव करे। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और ये वर्टिकल भी हो सकता है, मतलब अगर हमारा स्लाइडर कहीं पर वर्टिकली भी मूव कर रहा है तो भी वो क्या करेगा, स्लाइडिंग पेयर ही होगा, क्योंकि उसका सरफेस कॉन्टेक्ट है उस दूसरी लिंक के साथ, स्लाइड करेगा, फिसलेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारे दो स्लाइडिंग पेयर कैसे हो गए, हमारे दो स्लाइडिंग पेयर ऐसे हो गए कि सर जो स्लॉटेड प्लेट आपको दिखाई दे रही है, एक तो स्लाइडिंग पेयर यहां पर क्रिएट हो रहा होगा, एक स्लाइडिंग पेयर यहां पर क्रिएट हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, और दूसरा स्लाइडिंग पेयर यहां पर, क्योंकि यहां पर स्लाइडर क्या है, स्लाइडर इस स्लॉटेड प्लेट में स्लाइड करेगा, तो स्लाइडर और स्लॉटेड प्लेट के बीच कांटेक्ट कैसा होगा, स्लाइडिंग पेयर का। एक स्लाइडिंग पेयर यहां पे क्रिएट हो रहा है और दूसरा स्लाइडिंग पेयर यहां पर क्रिएट हो रहा है, पॉइंट क्लियर है। तो हमारे पास डबल स्लाइडर मैकेनिज्म में चार लिंक होती है, ठीक है, चार लिंक होती है। इस चार लिंक को भी अगर मुझे बांटना हो तो कैसे बांटूंगा, इस चार लिंक में एक स्लॉटेड प्लेट होती है, लिंक नंबर वन, एक स्लॉटेड प्लेट होती है, अगली दो स्लाइडर होते हैं, तो दो स्लाइडर और एक स्लॉटेड प्लेट मिला के तीन लिंक हो गई, और अगला इन दोनों स्लाइडर को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया लिंक नंबर फोर। तो हमारे पास चार लिंक होती है, दो टर्निंग पेयर होते हैं, टर्निंग पेयर किसके किसके बीच, कनेक्टिंग रॉड और दोनों स्लाइडर के बीच क्या होता है, टर्निंग पेयर। और दो स्लाइडर पे, दो स्लाइडिंग पेयर कैसे, दो स्लाइडिंग पेयर क्योंकि स्लॉटेड बार और स्लाइडर के बीच कैसा कॉन्टेक्ट है, लोअर पेयर है, वहां पर हमारा जो स्लाइडर है वो स्लॉटेड बार में स्लाइड कर रहा है, और अगर स्लॉटेड बार में स्लाइड कर रहा है मतलब कैसा पेयर बनेगा, स्लाइडिंग। मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अब देखिए इसके इन्वर्जन कौन कौन से हैं, देखिए मैं इसको रफ करने वाला हूं, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। अब देखिए इसके इन्वर्जन देखिएगा, इसके इन्वर्जन, इन्वर्जन्स ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इन्वर्जन्स ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या क्या होगा, इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, एक ब्रीफ आइडिया, इसका संक्षिप्त आइडिया क्या, पहला तो मुझे मिलेगा एक एलिप्टिकल ट्रेमल व्हेन लिंक वन इज फिक्स्ड। अभी हम देखेंगे लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री क्या क्या है, स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म, ठीक है, अगला मिलेगा मुझे स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म, और तीसरा मुझे मिलेगा ओल्डहैम्स कपलिंग, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म में तीन इन्वर्जन मिलेंगे। पहला मिलेगा एलिप्टिकल ट्रेमल, दूसरा क्या मिलेगा स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म, और तीसरा हमें मिलेगा ओल्डहैम्स कपलिंग। इसको आपको बार बार बोलना पड़ेगा ताकि याद हो जाए। अभी हम इनको पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको डायरेक्टली टिप पे याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि इफ स्लॉटेड प्लेट इज फिक्स्ड द मैकेनिज्म वी गेट,
If the connecting rod is fixed, the mechanism that we get. If the one of the slider is fixed, what is the mechanism that we get? तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, टिप पे याद होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो एलिप्टिकल ट्रेमल, स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म, ओल्डहैम्स कपलिंग। अब एलिप्टिकल ट्रेमल हमें कब मिलता है? लिंक वन इज फिक्स्ड। लिंक वन क्या है? यहां पे लिंक वन से बेटर होगा, ज्यादा अच्छा होगा कहना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि when slotted plate is fixed, क्योंकि link 1, link 2, link 3 आप ये किसी का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको बेटर होगा कहना link 1 is fixed से ज्यादा अच्छा होगा कहना elliptical tremel हमें तब मिलता है when slotted plate is fixed। अभी हम देखेंगे कैसे ये चीज हो रही है। स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म, जो अगली मैकेनिज्म है, स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म, ये हमें कब मिलती है? स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म हमें तब मिलती है when any one of the slider is fixed। जब किसी एक स्लाइडर को हमने फिक्स कर दिया है, जब किसी भी एक स्लाइडर को हम फिक्स कर दें, तो हमें क्या मिलता है? स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म। तीसरा, ओल्ड हैम्स कपलिंग कब मिलती है? हमको ओल्ड हैम्स कपलिंग तब मिलती है जब हम लिंक थ्री को फिक्स कर दें। लिंक थ्री से ज्यादा बेटर होगा कहना कि when कनेक्टिंग रॉड इज फिक्स। अब यहां पे कनेक्टिंग रॉड कहां से आ गई? बिल्कुल आ गई। कनेक्टिंग रॉड वही है जो दोनों स्लाइडर को कनेक्ट कर रहा है। ये मैंने स्लॉटेड प्लेट बना लिया, यहां पे पहला स्लाइडर, ठीक, यहां पर दूसरा स्लाइडर, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक कनेक्टिंग रॉड। तो जब इस कनेक्टिंग रॉड, यही है हमारी कनेक्टिंग रॉड, यही है हमारी कनेक्टिंग रॉड, तो जब हम इसको फिक्स करते हैं तब हमें कौन सी कपलिंग मिलती है? ओल्ड हैम्स कपलिंग, ठीक। बिकॉज़ ये चीज आपको हल्का एक आइडिया, बेसिक आइडिया मिल गया होगा डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। हम आगे प्रोसीड करते हैं। When link one is fixed, यहां पे इसने link one किसको बोला हुआ है? Slotted plate। देखिए, link one से ज्यादा बेटर होगा कहना, क्योंकि आप कोई भी अपने हिसाब से link का नाम बदल सकता है। तो elliptical tremel कब मिलता है? Elliptical tremel मिलता है, मैं बोलूंगा, जब हम slotted plate को fix करते हैं, ठीक है? जब हम slotted plate को fix करते हैं, जब हम किसको फिक्स करते हैं? जब हम स्लॉटेड प्लेट को फिक्स, व्हेन स्लॉटेड प्लेट इज फिक्स्ड, तब हमें मिलता है एलिप्टिकल ट्रेमल। अब ये एलिप्टिकल ट्रेमल है क्या? इसको देखिए, अब ये एलिप्टिकल ट्रेमल है क्या? देखिए, ये हमारा था बेसिक, ये था हमारा बेसिक। ये स्लॉटेड प्लेट, ये हो गई हमारी स्लॉटेड प्लेट। अब इसके अंदर हमने दो स्लाइडर लगा रखे हैं, ये पहला स्लाइडर, उसका टर्निंग पेयर, और यहां पर दूसरा स्लाइडर बटन। इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया एक कनेक्टिंग रॉड से, टर्निंग पेयर, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे क्या हो रहा है? हमारी ये जो स्लॉटेड प्लेट है, जिसको मैं यहां पे ब्लैक कलर से आउटलाइन करने वाला हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये हमारी स्लॉटेड प्लेट, ये हो गई हमारी स्लॉटेड प्लेट। देखिए, मैंने आउटलाइन कर दिया ब्लैक कलर से अपनी स्लॉटेड प्लेट को। जब मैं इसको फिक्स कर दूंगा, जब मैंने स्लॉटेड प्लेट को फिक्स कर दिया, देखिए यहां पर मैंने स्लॉटेड प्लेट को फिक्स कर दिया,
जब हमने स्लॉटेड प्लेट को फिक्स कर दिया तो अब हमारे पास मूव करने के लिए क्या बचा, हम सिर्फ अपने दोनों स्लाइडर को और उनको जोड़ने वाले कनेक्टिंग रॉड को ही मूव करा सकते हैं, क्योंकि स्लॉटेड प्लेट तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब इनका आप मोशन इमेजिन करिए कैसा मोशन हो रहा होगा। देखिए मोशन की बात करते हैं, मोशन देखते हैं, मोशन देखिएगा। जब ये वाला स्लाइडर, जब ये वाला स्लाइडर, मैं स्लाइडर की भी नेमिंग कर देता हूं S1 S2 बोल देता हूं, ठीक है। इस स्लाइडर को मैंने बोल दिया S1, स्लाइडर नंबर 1, और इस स्लाइडर को मैंने बोल दिया S2, स्लाइडर नंबर 2, ठीक है। तो ये वाला S1 जब मेरा लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ जाएगा, जब मेरा स्लाइडर नंबर 1 S1 बाईं तरफ जाएगा, देखिए इसको भेजते हैं बाईं तरफ, तब ये दोनों कनेक्ट हैं। किससे कनेक्ट हैं? सर ये कनेक्ट है कनेक्टिंग रॉड से। तो कनेक्टिंग रॉड ऊपर वाले स्लाइडर को नीचे खींचेगा, और नीचे खींचेगा मतलब ये वाला स्लाइडर अब किधर मूव करेगा, नीचे की तरफ। पॉइंट क्लियर है? जब S1 स्लाइडर मेरा बाईं तरफ जाएगा और इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया हुआ है कनेक्टिंग रॉड से, ये कनेक्टिंग रॉड है। तो जब ये वाला स्लाइडर इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाला स्लाइडर ऊपर वाला S2 वाला स्लाइडर ऑटोमेटिक नीचे आएगा। और जब स्लाइडर नंबर S1 मेरा दाईं तरफ जाएगा, जब स्लाइडर नंबर S1 मेरा दाईं तरफ जाएगा, उस वक्त स्लाइडर नंबर S2 मेरा ऊपर की तरफ जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है। तो ये जो पाथ क्रिएट करेंगे, तो स्लाइडर S1 और S2 इस तरीके से मूव करेंगे कि इनको जोड़ने वाली कनेक्टिंग रॉड पर अगर आप कोई पॉइंट पुट कर दो तो हमें कैसी शेप मिलेगी, हमें एक एलिप्स के तरीके की शेप मिलेगी। बात समझ पा रहे हैं? देखिए ये हो गया मेरा स्लाइडर नंबर S2, जिसको मैंने स्लाइडर नंबर S2 बोला हुआ है, जिसको हमने स्लाइडर नंबर S2 बोला हुआ है। अगर इस स्लाइडर नंबर S2, स्लाइडर नंबर S2 और स्लाइडर नंबर S1, इन दोनों का आप मोशन देखो जिसमें मैंने स्लॉटेड प्लेट को फिक्स किया हुआ है, और इनको जोड़ने वाली जो कनेक्टिंग रॉड है, दैट इज हियर द लिंक नंबर 2, जो लिंक नंबर 2 है, इस लिंक नंबर 2 को देखिए आप, इस लिंक नंबर 2 जो कि हमारी स्लाइडर नंबर S1 और स्लाइडर नंबर S2 को जोड़ने वाली है, अगर इस पर मैं कोई पॉइंट पुट कर दूं, इस पर अगर मैं कोई पॉइंट पुट कर दूं, तो वो पॉइंट हमें कैसा मोशन देगा। लेट से यहां पर हमने कोई पॉइंट पी पुट किया, और वो पॉइंट हमें कैसा मोशन देने वाला है, वो पॉइंट हमें एक एलिप्स का मोशन देने वाला है। देख पा रहे हैं ये कैसी शेप है? ये एलिप्स की ही शेप है। हमने स्लॉटेड प्लेट को फिक्स किया, स्लॉटेड प्लेट को फिक्स करने के बाद जो स्लाइडर नंबर S1 और स्लाइडर नंबर S2 को जोड़ने वाली रॉड है, कनेक्टिंग रॉड है या बार बोल लीजिए, उस पर अगर कोई मैं पॉइंट पुट कर दूं, तो ये किस तरीके का मोशन देंगी, इसका जो पाथ होगा ये ऐसा क्रिएट होगा कि हमें एक एलिप्स की शेप मिलेगी। अब आप बोलोगे सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो चलिए देखिए उसका एक डेरिवेशन देख लेते हैं यहां पे, ताकि इक्वेशन से हम पता लगा लें। ऐसे बोलने से तो पता नहीं चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये एलिप्स की इक्वेशन आ रही है। एलिप्स की शेप तभी बनेगी जब उसकी इक्वेशन ही एलिप्स की आ जाए। देखते हैं कैसे आती है। देखिए यहां पे मैंने कोई पॉइंट लिया पी, ठीक है, यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको मैंने दो एक्सिस मान लिया, इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, और इसको मैंने इस वाली लाइन को वाई एक्सिस मान लिया, ये जो डॉटेड लाइन जा रही है बीच से, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। यहां पे कोई पॉइंट पी है तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, देखिए इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। यहां पे कोई पॉइंट पी है तो यहां से मैंने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन डाला, मैंने क्या किया, यहां से एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन डाला। तो प्रोजेक्शन डालने पर ये पॉइंट इस वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस मुझे पता चल गई एक्स, और ये डिस्टेंस कितनी पता चल गई वाई।
ये डिस्टेंस पता चल गई एक्स और ये डिस्टेंस पता चल गई वाई, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर मैं जो इलेप्टिकल ट्रेमल में कनेक्टिंग रॉड की लेंथ है ए बी, यही है कनेक्टिंग रॉड ए बी, देखिए ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी, यही हमारा बात जो दोनों स्लाइडर को कनेक्ट कर रहा है, इसकी लेंथ तो फिक्स होगी, इसकी लेंथ तो अपने आप घटेगी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये तो रिजिड बॉडी हमने मान रखा है। मैंने बताया था पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, ये सब हम क्या मानते हैं, रिजिड बॉडी ही मानते हैं अपने सिस्टम में। अब देखिए यहां से हम कैसे निकालेंगे, अगर यहां से मैं x और y की वैल्यू को निकालना चाहूं, मतलब यहां से अगर मैं साइन थीटा लगाना चाहूं, तो साइन थीटा हमें क्या मिलेगा, देखिए साइन थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, ठीक है। तो साइन थीटा अगर मैं इसमें लगाऊं, इस वाले ट्रायंगल में, देखिए इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, ये हो गया पॉइंट पी, जो छोटा वाला छोटू वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, ये डिस्टेंस हो गई वाई और ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है वाई, डिवाइडेड बाई कर्ण कितना है पी बी, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर वन। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन पी बी, क्लियर है। अब इसमें अगर मैं कॉस थीटा लगाऊं, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहां पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा यहां पे। अब इस दूसरे वाले ट्रायंगल को देखिए, अब मैं ट्रायंगल यहां पे बनाने वाला हूं, ट्रायंगल इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल है ए, ये ट्रायंगल है पी, ये ट्रायंगल है क्यू, अगर वो एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, यहां पे कॉस थीटा लगाइए और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस तो एक्स है, यही डिस्टेंस तो एक्स है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, कॉस थीटा लगाइए, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई कर्ण हो जाएगा AP, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। जरा इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू का स्क्वायर करके जोड़िए तो हमें यही तो मिलेगा, देखिए साइन थीटा हमने कितना लिखा हुआ है, साइन थीटा मैंने निकाला हुआ है y डिवाइडेड बाई BP या PB, y डिवाइडेड बाई PB या BP कुछ भी बोलिए, और यहां पे हमने कॉस थीटा कितना निकाला हुआ है, कॉस थीटा यहां से निकाला है हमने x डिवाइडेड बाई AP, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर वन, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब क्या करिए, इक्वेशन नंबर वन का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर टू का स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो स्क्वायर करके जोड़ना है, स्क्वायर करके जोड़ने का मतलब बाई तरफ वाली चीज बाई तरफ में जुड़ेगी और दाई तरफ वाली चीज दाई तरफ में जुड़ेगी, जरा स्क्वायर करके जोड़िए, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दाई तरफ वाली चीज दाई तरफ में जुड़ेगी, बाई तरफ वाली चीज बाई तरफ में जुड़ेगी, तो बाई तरफ वाली चीज क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दाई तरफ वाली चीज देखिए, दाई तरफ में क्या हो जाएगा, वाई डिवाइडेड बाई बीपी या पीबी बोलिए कुछ भी, दोनों सेम ही है, बीपी बोलिए आप पीबी, ठीक है, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई एपी का होल स्क्वायर। अच्छा, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो यहां पर आ गया वन इज इक्वल टू, सेम वही इक्वेशन मिल गई मुझे, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, x को पहले लिख लेते हैं, y को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है, x को पहले लिख लेते हैं, y को बाद में लिख लेते हैं, इधर देखिएगा, x को पहले लिख लेते हैं, y को बाद में लिख लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एपी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी बी स्क्वायर या पी बी स्क्वायर, दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा वन। अगर आपने 11th 12th किया होगा डिप्लोमा वाले, तो आपको पता होगा ये इक्वेशन एलिप्स की होती है,
दीर्घवृत्त, ठीक है, वहां पे एलिप्स की इक्वेशन आती है, तो ये एलिप्स की इक्वेशन है। तो अगर एलिप्स की इक्वेशन आई है तो एलिप्स की इक्वेशन क्यों आई है? एलिप्स की इक्वेशन इसीलिए आई है क्योंकि क्योंकि उसका पाथ कैसा है एलिप्स का, जो पॉइंट पी है इसमें मेरा, ये पॉइंट पी का पाथ कैसा है एलिप्स का है, तभी तो एलिप्स की इक्वेशन आ रही है, अदरवाइज एलिप्स की इक्वेशन क्यों आती? हमने क्या किया, अपने इस कोऑर्डिनेट में इस पॉइंट पी की इक्वेशन निकालनी चाहिए, तो पॉइंट पी की इक्वेशन कैसे निकल के आ रही है, एलिप्स की इक्वेशन, मतलब हमें यह बता रहा है कि पॉइंट पी क्या क्रिएट कर रहा होगा, पॉइंट पी एक एलिप्स क्रिएट कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? मतलब अगर मैं स्लॉटेड प्लेट को फिक्स कर दूं तो हमें एलिप्टिकल ट्रेमल मिलता है। अब ये इलेप्ट्रिकल ट्रेमल, इसकी इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एपी स्क्वायर, एपी ये वाली डिस्टेंस है, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पीबी स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए इसका एक नोट पॉइंट है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। हमने इक्वेशन क्या निकाली, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एपी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब देखिए जो पी पॉइंट था यहां पर, जो पी पॉइंट था ये मैंने इस कनेक्टिंग रॉड पर कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया, कोई भी अनियमित पॉइंट ले लिया, लेकिन अगर ये पॉइंट पी इस कनेक्टिंग रॉड ए बी पर इस जगह पर सिचुएटेड हो, ऐसी जगह पर स्थित हो कि ये पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मान लीजिए अब पी ऐसी पोजीशन पे हमने ले लिया कि पी क्या है, ए बी के मिडिल पोजीशन पे स्थित है, तब आती है स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, देखिए ये, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, देखिए जितनी भी स्पेशल केस होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं उस पे, और अगर आपको वो स्पेशल केस याद है तो आपको 3 से 4 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सही करने में। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि इफ पी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब अब वो ए बी लिंक पर ऐसी जगह पर स्थित है कि वो ए बी के मिड पॉइंट पे स्थित है, इसका मतलब अब वहां पर जो पी सिचुएटेड है, लेट्स से यहां पर ए है और यहां पर बी है, ठीक है, यहां पर ए है यहां पर बी है, अब पी ऐसी जगह पर स्थित है कि पीए बराबर पीबी, अब पी ऐसी जगह पर स्थित है कि पीए बराबर पीबी, तो यहां पर आप एपी या बीपी को बराबर बोल सकते हो क्योंकि पीए बराबर पीबी या एपी बराबर बीपी, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, एपी इज इक्वल टू पीपी। तो क्या करिए, यहां से हमने बीपी को रिप्लेस कर दिया, देखिए यहां पे जो बीपी है, अब स्पेशल केस में क्या है, स्पेशल केस में अगर पी मिड पॉइंट पे आ जाएगा तो एपी और बीपी दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब क्या मैं बीपी की जगह पर एपी रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, तो मैंने बीपी की जगह पे एपी रख दिया, ये तब के लिए पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा स्पेशल केस। और ये स्पेशल केस क्या है कि जब पी हमारा मिड पॉइंट पे हो, अगर मिड पॉइंट पे नहीं है पी तो उस केस में एलिप्टिकल ट्रेमल ही मिलेगा, मतलब हमें एक एलिप्स की शेप मिलेगी, ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए इतना चल रहा हूं क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है और लड़का हो जाता है कंफ्यूज कि एलिप्स मारूं और सर्कल मारूं, क्या मारूं इनमें से। तो अगर पी ए बी के मिड पॉइंट पर नहीं है तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, एलिप्स मिलेगा या एलिप्टिकल ट्रेमल ही मिलेगा। लेकिन अगर पी ए बी के मिड पॉइंट या मध्य बिंदु पर स्थित है तो उस केस में हमें मिलता है सर्कल। क्यों मिलता है, यहां देखिए, अगर P मिड पॉइंट पे है तो BP की जगह क्या मैं AP रख सकता हूं, यहां से देखिए, क्योंकि मिड पॉइंट पे हो गया, और अगर ये हो जाएगा तो देखिए AP यहां पे बराबर हो गया, दोनों को खिसका दीजिए राइट हैंड साइड में, इक्वेशन हमें मिल गई x square plus y square is equal to
ए पी स्क्वायर। और अगर आपने बचपन में इक्वेशन पढ़ी हो या 11th 12th में इक्वेशन पढ़ी हो तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी कि सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये किस चीज की इक्वेशन होती है? ये इक्वेशन होती है सर्कल की। तो अगर p मेरा मिड पॉइंट पे होगा AB के तो हमें सर्कल मिलेगा, अदरवाइज उसके अलावा मिड पॉइंट को छोड़कर वो किसी भी पोजीशन पे हुआ तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? उस केस में हमें एलिप्टिकल ट्रेमल। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर हम स्लॉटेड प्लेट को फिक्स करते हैं तो हमें एलिप्टिकल ट्रेमल मिलता है। अब ये एलिप्टिकल ट्रेमल जो हमें मिला, इलेक्ट्रिकल ट्रेमल जो मिला, इसकी कुछ बातें हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रेमल कब मिल रहा है हमें, ध्यान रखिएगा, व्हेन स्लॉटेड बार इज या स्लॉटेड प्लेट इज एनी पॉइंट, पढ़ते हैं इसको, एनी पॉइंट एक्सेप्ट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मतलब एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, किसको छोड़कर? द मिड पॉइंट। मतलब अगर हम मिड पॉइंट ऑफ ए बी को छोड़कर कोई भी पॉइंट ले तो पॉइंट पी हमारा क्या ट्रेस करेगा? ट्रेस आउट मतलब बनाएगा एन एलिप्स। अगर किसको छोड़कर बात करें, मिड पॉइंट को छोड़कर, तो हमें कैसी शेप मिलेगी? एलिप्स की। और उसको क्या बोलेंगे? एक तरीके का एलिप्टिकल ट्रेमल। इतना क्लियर है पॉइंट। और अगर द पॉइंट ए एंड बी विल ट्रेस आउट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो पॉइंट ए और बी होंगे विल ट्रेस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वो क्या बनाएंगे? एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। और पी क्या बनाएगा? पी बनाएगा एक तरीके का एलिप्स, क्योंकि ए, देखिए जो पहला स्लाइडर है वो तो स्लाइडर तो ऐसे ही मूव करेगा ना यार। अगर इसको आप देखो, ये वाला स्लाइडर ए कैसे मूव करेगा? या तो ये नीचे जाएगा या तो ये ऊपर जाएगा। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर रहा हूं। देखिए अगर मैं बात करूं स्लाइडर ए और बी को, देखिए या तो स्लाइडर ए नीचे की तरफ आएगा या तो स्लाइडर ए ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर मैं पूछूं स्लाइडर ए कैसा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? या तो ये तो सर एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा, या तो वर्टिकल लाइन ऊपर जा रही है या तो वर्टिकल लाइन नीचे आ रही है। अच्छा स्लाइडर बी कैसे मूव करेगा? सर स्लाइडर बी या तो आगे की तरफ जाएगा या तो पीछे की तरफ आएगा। तो ये भी क्या बनाएगा? एक तरीके की सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा। एक स्लाइडर वर्टिकल लाइन बनाएगा और दूसरा स्लाइडर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा। लेकिन ये पॉइंट पी की बात करें तो सर पॉइंट पी तो एलिप्स बना रहा है। क्लियर है पॉइंट? ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको कि पॉइंट पी क्या बना रहा है? पॉइंट पी एलिप्स बना रहा है। पॉइंट क्लियर है? तो वही यहां पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विल ट्रेस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी विल ट्रेस आउट सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी। ठीक है, जो मिड पॉइंट होगा ए बी वो क्या करेगा? एक सर्कल ड्रॉ करेगा जिसका डायमीटर क्या होगा? ए बी होगा। देखिए अगर ये पी मिड पॉइंट पे हो गया तब ये क्या बनाएगा? तब ये बनाएगा एक सर्कल जिसका डायमीटर क्या होगा? जिसका डायमीटर होगा सर ए बी, कुछ इस तरीके। ठीक है, और यहां कहीं पे पी आ जाएगा बीच में फिर। क्लियर है पॉइंट? अगर P मिड वाले पॉइंट पे हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा एक सर्कल। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए, अ मैन इज क्लाइंबिंग अप ऑन अ लैडर विच इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। कह रहा है एक वर्टिकल वॉल है और यहां पे कोई जमीन है, ठीक है, यहां पर एक सीढ़ी रख दी गई है। क्लाइंबिंग अप लैडर, लैडर का मतलब एक सीढ़ी, क्लाइंबिंग अप का मतलब ऊपर चढ़ना। तो यहां पर एक आदमी है, ठीक है, और ये ऊपर की चढ़ाई सीढ़ी पर, और यहां पर ये वर्टिकल दीवार ऐसे फिक्स है और यहां पे एक सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी जिस पर चढ़ रहा है। व्हेन ही वॉज एग्जैक्टली हाफ वे अप, मतलब कह रहा है इस पॉइंट, इस लाइन को देखिएगा, क्या जबरदस्त इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। When he was, जब वो था, कहां पे था? जब वो था exactly half way up, जब कह रहा है ऊपर चढ़ते चढ़ते वो half way मतलब आधे रास्ते पहुंच गया हो।
मतलब कहां पहुंच गया है, अगर मैं इस पॉइंट को, अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं और इस पॉइंट को अगर मैं बी बोल दूं, तो वो आदमी ऊपर चढ़ते चढ़ते, ये जो आदमी है ऊपर चढ़ते चढ़ते लेट से यहां पे एक पॉइंट पी पर पहुंच गया, और इस वक्त कहां पहुंचा है, पी मतलब पी ए बराबर पी बी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है आधे रास्ते पे पहुंच गया है। तो पूरा रास्ता क्या है, पूरा रास्ता तो सर ए बी है, और आधे रास्ते पे पहुंचा है मतलब पी एक ऐसा पॉइंट है कि वो ए पी बराबर पी बी है, आधे रास्ते पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। द लैडर स्टार्ट स्लिपिंग कह रहा है, जब आधे रास्ते पे पहुंच गया तो अब ये सीढ़ी फिसलना चालू कर दी, सीढ़ी फिसलना चालू कर दी मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस तरफ आने लगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ फिसलने लगा। कह रहा है द पाथ ट्रेस बाय द मैन, मैन कहां पे पहुंचा है, मैन तो पॉइंट पी पे अभी पहुंच चुका है, ऊपर चढ़ते चढ़ते ये कहां पहुंच गया, कह रहा है कि अब आदमी ऊपर चढ़ते चढ़ते, अब आदमी ऊपर चढ़ते चढ़ते यहां पहुंच गया पॉइंट पी पर। तो कह रहा है कि जब सीढ़ी फिसलना चालू कर देगी तो आदमी जो है, या पॉइंट पी बोल दीजिए क्योंकि आदमी कहां पहुंच चुका है, पॉइंट पी पर, कैसा पाथ ट्रेस करेगी, तो आंसर क्या होगा, एलिप्स, गलत, सर्कल, क्योंकि मैंने बताया था कि स्लॉटेड बार में एलिप्स कब मिलता है, मिड पॉइंट को छोड़ के किसी भी पोजीशन पर एलिप्स मिलता है, लेकिन इसमें तो बोल दिया ना आदमी कहां पहुंचा हुआ है, सर आदमी पहुंचा हुआ है आधे रास्ते पे, आधे रास्ते मतलब मिड पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो मिड पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, मिड पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, मिड पॉइंट पे हमें मिलता है सर सर्कल। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ईएससी, देखा आपसे एकदम बेसिक पूछा हुआ है कि आपको बेसिक आता है कि नहीं आता, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए दूसरा इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर मैकेनिज्म, द सेकंड इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर मैकेनिज्म क्या मिलता है हमें इसमें, एनी वन ऑफ द स्लाइडर इज फिक्स्ड, जब हम किसी भी एक स्लाइडर को फिक्स कर दें, एक स्लाइडर क्योंकि इसमें हमारे पास दो स्लाइडर है, आपको अगर याद हो मैंने बेसिक मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से बनाई थी, यह है हमारी डबल स्लाइडर मैकेनिज्म, आप चाहे स्लाइडर को इधर रखो या इधर रखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डबल स्लाइडर मैकेनिज्म में हमारे पास दो स्लाइडर हैं, अब कह रहा है कि सर इन दोनों स्लाइडर में से आप किसी एक स्लाइडर को फिक्स कर दो, कर देते हैं किसी एक स्लाइडर को फिक्स, तो ये लिया मैंने ब्लैक कलर और ये मैंने कर दिया किसी भी एक स्लाइडर को फिक्स, चाहे आप इसको फिक्स करो चाहे आप इसको फिक्स करो, ठीक है। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है, आप कहना चाहते हो सर मैं इसको नहीं फिक्स करना चाहता, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस नीचे वाले स्लाइडर को फिक्स कर दिया, आपने बोला सर हम ऊपर वाले को नहीं नीचे वाले को फिक्स करेंगे, तो किसी भी एक स्लाइडर को फिक्स करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, किसी भी एक स्लाइडर को फिक्स करिए आप, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप किसी भी एक स्लाइडर को फिक्स करिए, किसी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो लेट्स से मैंने नीचे वाले स्लाइडर को फिक्स कर दिया, आप चाहे ऊपर वाले को फिक्स करो चाहे नीचे वाले को फिक्स करो, दोनों ही सेम बात है। तो जब हम किसी भी एक स्लाइडर को फिक्स कर देते हैं तब हमें कौन सी मैकेनिज्म मिलती है, तब सर हमें मैकेनिज्म मिलती है कौन सी, स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म, तब हमें मैकेनिज्म मिलती है स्कॉच यॉर्क, क्लियर पॉइंट, तब हमें कौन सी मैकेनिज्म मिलती है, स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म। व्हेन एनी वन ऑफ द स्लाइडर इज फिक्स्ड, जब हम किसी भी एक स्लाइडर को फिक्स कर देते हैं, जब हम किसी भी एक स्लाइडर को फिक्स कर देते हैं इन डबल स्लाइडर मैकेनिज्म, इट इज नोन एज स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म, हमें कौन सी मैकेनिज्म मिलती है, हमें मिलती है स्कॉच यॉर्क, क्लियर है पॉइंट, हाँ या ना, क्लियर है पॉइंट, इतना सबको क्लियर है। दिस इज यूज टू कन्वर्ट द रोटरी मोशन इंटू अ स्लाइडिंग मोशन, अब देखिए किस लिए यूज की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे, एक क्वेश्चन बनता है कि ये किस लिए यूज की जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दिस इज यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इंटू स्लाइडिंग मोशन, क्या करता है ये, जो हमारा स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म होता है, स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म क्या करता है, रोटरी मोशन को
किस में चेंज करता है, रोटरी मोशन को चेंज करता है ये रोटरी मोशन को चेंज करता है स्लाइडिंग मोशन में, रोटरी मोशन को चेंज करता है स्लाइडिंग मोशन में, देखते हैं कैसे। अब देखिए यहां पे क्या किया गया है, मेरे पास ये था बेसिक, देखिए बार बार फिगर को बनाने से वो बिल्कुल आपके खून में समा जाएगा, आप चाह कर भी उसको जुदा नहीं कर पाओगे, भूल नहीं पाओगे। इसलिए जब भी आप पढ़िए तो बार बार फिगर बनाने की कोशिश करिए, बिल्कुल आपके हैंड प्रैक्टिस में हो जाएगी वो कि इस चीज को ऐसे ही बनाना है, आप भूल भी जाओगे तब भी आप हमेशा सही फिगर बनाओगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक है, यहां पे मैंने एक स्लाइडर रखा। अब देखिए कुछ लोग सोचेंगे कि सर आप इधर स्लाइडर रख रहे थे इसमें इधर बनाया है, स्लाइडर आप कहीं भी रखिए, आप चाहे इधर रखिए चाहे इधर रखिए, दो स्लाइडर होने चाहिए, दैट्स इट, इतनी सी बात है, ठीक है। इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, अब देखिए इन दोनों स्लाइडर को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब कह रहे हैं कि स्कॉच योक मैकेनिज्म बनाते हैं, तो बनाने के लिए जरूरी क्या है, किसी एक स्लाइडर को फिक्स करना पड़ेगा, तो मैंने नीचे वाले स्लाइडर को फिक्स कर दिया। चलिए नीचे वाले स्लाइडर को फिक्स कर देते हैं, तो नीचे वाले स्लाइडर को फिक्स करने पर क्या दिखेगा, देखिए नीचे वाले स्लाइडर को फिक्स कर दिया, ठीक है। स्लाइडर इज फिक्स्ड, यहां मैंने क्या कर दिया, स्लाइडर को फिक्स कर दिया। अब जब स्लाइडर को मैंने फिक्स कर दिया तो अब यहां पर क्या मूव करेगा, यहां पर मूव करेगा मेरा इलेक्ट्रिकल ट्रेमल। देखिए यहां वाला जो स्लाइडर था, ये वाला जो स्लाइडर है, ये वाला स्लाइडर, इस वाले स्लाइडर को मैंने यहां पे फिक्स कर दिया, अब ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। यहां पे जो स्लाइडर था मैंने यहां पे फिक्स कर दिया, फिक्स करके उसको एक इस फ्रेम टाइप का शेप बना दिया। भाई मेरा नहीं मन कर रहा है स्लाइडर को स्लाइडर रखने का, स्लाइडर को मैंने फिक्स कर दिया, अब उस फिक्स ऑब्जेक्ट की आप कोई भी शेप बना लो वो आपके ऊपर। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रोक दिया है, फिक्स कर दिया है, अब वो चल नहीं रहा है, तो मैं उसकी कुछ भी शेप बना लूं, क्योंकि वो तो रुका हुआ है ना, चल तो रहा नहीं, तो उससे क्या मतलब कि उसकी शेप क्या है। तो यहां पे देखिए मैंने फिक्स कर दिया, ये है हमारी कनेक्टिंग रॉड, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड जो दोनों स्लाइडर को कनेक्ट कर रही थी, ठीक है, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड जो दोनों स्लाइडर को कनेक्ट कर रही थी। अब देखिए ये हमारी कनेक्टिंग रॉड जो दोनों स्लाइडर को कनेक्ट कर रही थी, यहां पर एक स्लाइडर फ्री है मेरा मूव करने के लिए। अब क्या होगा कि जब ये चीज कनेक्टिंग रॉड मेरी रोटेट करेगी, तो साथ में मेरा ये जो इलेक्ट्रिकल ट्रेमल, आपको अब यहां पे स्लॉटेड बार दिखाई दे रहा है, यहां स्लॉटेड बार दिखाई दे रहा है, तो अब स्लाइडर फिक्स है, एक स्लाइडर, दूसरा स्लाइडर इज फ्री टू मूव, दूसरा स्लाइडर आजाद है घूमने के लिए, क्योंकि मैंने एक को फिक्स किया है। तो जब ये स्लाइडर घूमेगा तो स्लाइडर किसमें स्लाइड करेगा, सर स्लाइडर स्लाइड करेगा स्लॉटेड प्लेट के अंदर, और स्लाइडर जब स्लॉटेड प्लेट के अंदर मूव करेगा तो ये मेरा, ध्यान से देखिए जब क्रैंक मेरा रोटेट करेगा तो ये स्लाइडर नीचे आएगा तो ये मेरा जो स्लॉटेड प्लेट है ये आगे की तरफ जाएगा, दिखाई दे रहा है, ये स्लॉटेड प्लेट मेरा आगे की तरफ जाएगा, और जब ये क्रैंक रोटेट करता हुआ जब ये क्रैंक रोटेट करता हुआ कुछ इस तरीके की शेप बनाएगा, ये हो गई क्रैंक की शेप। तो क्रैंक इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो जब क्रैंक आगे की पोजीशन में जाएगा तो स्लॉटेड प्लेट मेरा आगे जाएगा, और जब क्रैंक घूमते हुए यहां पर कहीं पर आएगा इस तरीके से, उस वक्त मेरा स्लॉटेड प्लेट पीछे की तरफ आएगा, समझ पा रहे हैं इस बात को। तो क्रैंक के रोटरी मोशन से मेरा स्लॉटेड प्लेट मूव कर रहा है, अब इस बार मेरा क्या कर रहा है, स्लॉटेड बार मूव कर रहा है, मूव या गति कर रहा है, ये बात समझ में आ रही है। तो क्रैंक के घूमने की वजह से मेरा स्लॉटेड बार मूव कर रहा है,
तो स्लॉटेड बार कैसे मूव कर रहा है? सर स्लॉटेड प्लेट या स्लॉटेड बार या तो आगे की तरफ जा रहा है या तो पीछे की तरफ आ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है या तो पीछे की तरफ आ रहा है। तो आउटपुट पे आपको कैसा मोशन मिल रहा है? सर आउटपुट पे तो मुझे रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा है, तो वही तो लिखा हुआ है। देखिए स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म कन्वर्ट रोटरी मोशन, किसका रोटरी मोशन मिल रहा था? ये तो रोटरी मोशन है सर क्रैंक का, क्योंकि क्रैंक ही तो रोटरी मोशन कर रहा है, यहां पे घूम रहा है। रोटरी मोशन को किस में बदल रहा है, कन्वर्ट कर रहा है ऑक्सीलेटरी मोशन। ये ऑक्सीलेटरी मोशन किसका मिल रहा है? सर ये ऑक्सीलेटरी मोशन मिल रहा है मुझे किसका? ऑक्सीलेटरी मोशन मिल रहा है स्लॉटेड प्लेट का। ये ऑक्सीलेटरी मोशन मिल रहा है मुझे स्लॉटेड प्लेट का। या क्या करेगा, रोटरी टू SHM। SHM क्या मिलता है? SHM क्या होता है? SHM मोशन तब होता है जब किसी एक पॉइंट के अबाउट कोई पार्टिकल मेरा सेम टाइम पीरियड में बार बार आगे पीछे मूव करता रहे, वही होता है SHM। तो यहां पे कोई पोजीशन है, लेट्स से यहां पर, जिसके अबाउट एक बार मेरा स्लॉटेड प्लेट आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, तो क्रैंक के घूमने की वजह से स्लॉटेड प्लेट का मेरा क्या हो रहा है? SHM मोशन, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है। तो देखिए मैं आपको एक टोटका बता रहा हूं याद करने का। टोटका क्या है? आपको याद करना है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस क्या है? जब मैंने स्लाइडर को फिक्स किया, जब किसी एक स्लाइडर को फिक्स किया तो मुझे स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म मिलती है। दूसरा एस क्या बता रहा है? दूसरा एस बता रहा है स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म। और तीसरा क्या है? स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म में किस तरीके का मोशन होगा? SHM। तीसरा एस क्या बता रहा है? तीसरा एस बता रहा है SHM। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको याद रखना है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस क्या है? पहला वाला एस आपको बता रहा है कि व्हेन वन ऑफ द स्लाइडर इज फिक्स्ड, जब मैं किसी एक स्लाइडर को फिक्स करूंगा, किसी एक स्लाइडर को फिक्स किया। दूसरा वाला एस क्या बता रहा है कि सर मुझे मोशन मिलेगा स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म। और तीसरा वाला एस बता रहा है स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म या कैसा मोशन? SHM। तो आपको SHM किसमें मिलेगा? स्कॉच यॉर्क। और स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म कब मिलती है? जब हम स्लाइडर को फिक्स। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म इज यूज्ड टू जनरेट। अब देखिए स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म आपको मैंने क्या याद कराया? ट्रिपल एस। आपको मैंने क्या याद कराया? ट्रिपल एस। ट्रिपल एस में पहला एस क्या बता रहा है? व्हेन स्लाइडर इज फिक्स्ड, व्हेन स्लाइडर इज फिक्स्ड। दूसरा एस क्या बता रहा है? हमें मैकेनिज्म मिलती है स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म। और तीसरा एस क्या बता रहा है? ये कैसी मोशन होती है? SHM। और अगर आपको SHM की इक्वेशन याद हो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, SHM की इक्वेशन क्या होती है? y is equal to a sin omega t। SHM की इक्वेशन क्या होती है? y is equal to a sin omega t। तो यहां पे आपको कैसा फंक्शन दिखाई दे रहा है? कॉस का, टेन का, सेक का, कैसा? सर साइन का दिखाई दे रहा है। यहां कैसा फंक्शन दिखाई दे रहा है? सर यहां पे तो साइन का फंक्शन दिखाई दे रहा है। मतलब स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म क्या जनरेट करता है? साइन फंक्शन। क्या जनरेट करता है? साइन फंक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? साइन। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा साइन। पॉइंट क्लियर है? लास्ट इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर मैकेनिज्म, द लास्ट इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर मैकेनिज्म क्या है? ओल्ड हेम्स कपलिंग। ठीक है, ओल्ड हेम्स कपलिंग कब मिलती है ये मुझे? ये मुझे कब मिलेगी? सर व्हेन द कनेक्टिंग लिंक ऑफ टू स्लाइडर इज फिक्स। अब हम किसको फिक्स करने वाले हैं? देखिए ध्यान से, किसको फिक्स करने वाले हैं? व्हेन कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक क्या है? सर कनेक्टिंग लिंक तो वो था जो दोनों स्लाइडर को जोड़ रहा था। ये था मेरा सर बेसिक,
ये था हमारा बेसिक, स्लॉटेड प्लेट, दो स्लाइडर और एक कनेक्टिंग रॉड। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस कनेक्टिंग रॉड जो दोनों स्लाइडर को जोड़ रहा है इसको हम फिक्स करने वाले हैं। दिखाई दे रहा है, अब हम इस कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने वाले हैं। तो जब हम इस कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें जो मैकेनिज्म मिलती है उसको हम बोलते हैं ओल्ड हैम्स कपलिंग। तब जो हमें मैकेनिज्म मिलती है उसको हम बोलते हैं ओल्ड हैम्स कपलिंग। तब हमें जो मैकेनिज्म मिलती है उसको हम बोलते हैं ओल्ड हैम्स कपलिंग। ओल्ड हैम्स कपलिंग कब मिलती है, जब हमने जो कनेक्टिंग लिंक है ये इसको हमने फिक्स कर दिया है, तो दोनों स्लाइडर को जोड़ने वाली कनेक्टिंग रॉड थी इसको जब हमने फिक्स किया हुआ है तब हमें मिलती है ओल्ड हैम्स कपलिंग। नाउ आगे इस ओल्ड हैम्स कपलिंग का क्या काम है, कहां यूज की जाती है, ये जो ओल्ड हैम कपलिंग है यूज वहां की जाती है कि जब हमें दो शाफ्ट की कपलिंग करनी है। देखिए कपलिंग का सीधा मतलब होता है जोड़ना, जब इंडस्ट्रीज में या किसी इंडस्ट्रियल पर्पज में शाफ्ट की एक्सिस अलाइन नहीं है, मतलब एक दूसरी की रेखा के अनुदिश नहीं है, उनकी एक्सिस में थोड़ा फर्क है, मतलब एक शाफ्ट की एक्सिस यहां से पास कर रही है दूसरा शाफ्ट यहां पर है, दोनों शाफ्ट की एक्सिस में थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट है, तब हम यूज करते हैं ओल्ड हैम्स कपलिंग का। ठीक है, तो ओल्ड हैम कपलिंग कब यूज की जाती है, व्हेन देयर इज अ ऑफसेट, व्हेन देयर इज अ ऑफसेट बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट, जब जहां पे थोड़ा सा ऑफसेट हो मतलब दोनों की एक्सिस के बीच में थोड़ा सा गैप हो, डिफरेंस हो, हम वहां पे यूज करते हैं क्या, ओल्ड हैम्स कपलिंग। ठीक है, दिस कपलिंग इज बेसिकली यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स विच हैव लेटरल मिसअलाइनमेंट। ये लेटरल मिसअलाइनमेंट या ऑफसेट का मतलब वही हुआ कि उनकी एक्सिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों एक लाइन से पास नहीं कर रहे होते। अभी आपको मैं फिगर में दिखाता हूं कैसे, एप्लीकेशन कहां पे यूज करते हैं इसको, हम लेथ में यूज करते हैं, ऑन द कैपस्टन लेथ या टरेट लेथ। कैपस्टन या टरेट लेथ में यूज करते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे होता है ओल्ड हैम्स कपलिंग। ये पहले शाफ्ट की एक्सिस जा रही है ऊपर वाली और यहां पर मैंने एक दूसरी शाफ्ट लगा रखी है। यहां पर मैंने एक दूसरी शाफ्ट लगा रखी है, यहां पर एक दूसरी शाफ्ट जाती है, यह शाफ्ट नंबर वन है, दिस इज एस वन शाफ्ट नंबर वन और यहां पर शाफ्ट नंबर टू है और इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने वाला एक है इंटरमीडिएट पीस। इंटरमीडिएट, क्लियर है? तो देखिए यहां पर है ये शाफ्ट नंबर वन
दिस इज शाफ्ट नंबर वन, ये कंप्लीट, दिस इज शाफ्ट नंबर वन, इसकी एक्सिस यहां से पास कर रही है, ठीक है, और यहां पर है शाफ्ट नंबर टू, इसकी एक्सिस यहां से पास कर, तो देखिए दोनों की एक्सिस एक लाइन पर नहीं है, देयर इज सम मिसअलाइनमेंट या ऑफसेट, इसी चीज को हम बोलते हैं, ये जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि दोनों की एक्सिस एक जगह से पास नहीं कर रही है, इसी को हम बोलते हैं क्या, मिसअलाइनमेंट। मिसअलाइनमेंट बोलते हैं इसको, कि मिसअलाइन है, एक ही लाइन में ना होना, एक ही लाइन में ना होना, उसको हम बोलते हैं मिसअलाइनमेंट, या इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑफसेट, मतलब दोनों की एक्सिस में कुछ डिफरेंस है। ये देखिए इसकी एक्सिस यहां से पास कर रही है, इसकी एक्सिस ऊपर से, तो यहां पे कुछ ऑफसेट है हमारे पास, ठीक है, यहां पर हमारे पास कुछ ऑफसेट है। तो जब हमारे पास दो शाफ्ट की एक्सिस में ऑफसेट हो, मिसअलाइनमेंट हो, उन दोनों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं ओल्डहैम्स कपलिंग का। और ये ओल्डहैम्स कपलिंग हमें कब मिलती है, जब हमने कनेक्टिंग रॉड, जो दोनों स्लाइडर को जोड़ने वाली कनेक्टिंग रॉड है, उसको हमने किया है फिक्स। पॉइंट क्लियर है? तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको चार ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट द टू शाफ्ट विच हैव सम मिसअलाइनमेंट या ऑफसेट। तो जब भी किन्हीं दो शाफ्ट के बीच में मिसअलाइनमेंट या ऑफसेट होगा, तो उनको जोड़ने के लिए हम जिस कपलिंग का यूज करते हैं वो होती है हमारी कौन सी, ओल्डहैम्स। इसका नाम रखा गया है ओल्डहैम्स। क्लियर है? क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द शाफ्ट कैन बी कनेक्टिंग यूजिंग ओल्डहैम्स कपलिंग। कैसा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर शाफ्ट को जोड़ते हैं, कोलिनियर शाफ्ट को जोड़ते हैं, शाफ्ट रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, कैसी दोनों शाफ्ट कैसी होती हैं, दोनों शाफ्ट कैसी होती हैं, दोनों शाफ्ट पैरेलल होती, ठीक है, तो दोनों ऑफसेट होंगी या मिसअलाइन होंगी, लेकिन दोनों शाफ्ट कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल। देखिए एक शाफ्ट अगर यहां से जा रहा है तो दूसरा शाफ्ट यहां से जा रहा है, एक दूसरे के पैरेलल ही तो है, समांतर है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पैरेलल शाफ्ट। क्लियर है? अब देखिए यहां पे हमारा पहला जो आज 11वां लेक्चर था मेरे ख्याल से, ये लगभग समाप्त हो रहा है, ठीक है, एक और लेक्चर बचा हुआ है जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी कुछ बेसिक मैकेनिज्म बची हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम कल उस लेक्चर में, चैप्टर नंबर वन में, जो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर नंबर वन को लगभग फिनिश कर देंगे, कोशिश रहेगी पूरा का पूरा आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो वापस से मैं डबल स्लाइडर मैकेनिज्म आपको बता देता हूं इन अ शॉर्ट, हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, मैं यहीं पे आपको समझा दे रहा हूं डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। वापस से पीछे आके देखते हैं हमने डबल स्लाइडर मैकेनिज्म में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सबसे पहली चीज, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म में चार लिंक होगी हमारे पास, ठीक है, दो टर्निंग पेयर होगा और दो स्लाइडिंग पेयर होगा, आपको यहां से दिखाई ही दे रहा है, ठीक है, यहां से हमें दिखाई ही दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये हो गया हमारा स्लॉटेड प्लेट, या हमने दो स्लाइडर लगा रखे हैं, इन दोनों स्लाइडर को पिन जॉइंट की हेल्प से, एक कनेक्टिंग रॉड की हेल्प से यहां पे जोड़ दिया, ठीक है। चार लिंक हैं, दो टर्निंग पेयर हैं, एक टर्निंग पेयर यहां पर, दूसरा टर्निंग पेयर यहां पर, दो स्लाइडिंग पेयर हैं, दो स्लाइडिंग पेयर कहां पे दिखाई दे रहे हैं सर, एक स्लाइडिंग पेयर तो यहां पे दिखाई दे रहा है यहां पर, और दूसरा स्लाइडिंग पेयर यहां दिख, इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसके इन्वर्जन देख लेते हैं, पहला इन्वर्जन देखा हमने कि जब हम लिंक नंबर वन, मतलब कि हमारा जो स्लॉटेड प्लेट है, जब हम स्लॉटेड प्लेट को फिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है सर, हमें मिलता है इलेप्टिकल ट्रेमल, ठीक है, और इलेप्टिकल ट्रेमल में ही जो पॉइंट पी था हमारा, अगर ये मिड पॉइंट पे आके बैठ जाएगा तब हमें मिलता है सर्कल, ठीक है। उसके बाद हमने देखा स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म हमें कब मिलती है, इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है ट्रिपल एस, ट्रिपल एस में आपको पहला एस क्या बता रहा है कि जब हम किसी एक स्लाइडर को फिक्स करेंगे तो हमें
क्या मिलता है, दूसरा एस आपको बता रहा है स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म मिलता है, और तीसरा एस बता रहा है कि स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म कैसा होता है, कैसा होता है, किस टाइप का, सर SHM टाइप का। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जब हम ओल्ड हेम्स कपलिंग कब मिलती है, जब हम कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड मतलब इन दोनों स्लाइडर को, इन दोनों स्लाइडर को कनेक्ट करने वाला, इस इन दोनों स्लाइडर को कनेक्ट करने वाला, जब कनेक्टिंग रॉड इसको हम फिक्स कर देते हैं तब हमें क्या मिलती है, ओल्ड हेम्स कपलिंग। ओल्ड हेम्स कपलिंग का यूज क्यों करते हैं, ओल्ड हेम्स कपलिंग का यूज करते हैं इसमें, ओल्ड हेम्स कपलिंग का यूज हम करते हैं दो पैरेलल शाफ्ट जो कि एक दूसरे के साथ ऑफसेट में है या मिस अलाइंड है, ठीक है, ऑफसेट है मतलब दोनों की एक्सिस में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, देयर इज सम ऑफसेट, या इसी ऑफसेट का दूसरा नाम होता है मिस अलाइनमेंट। तो जब दोनों शाफ्ट की एक्सिस में कुछ मिस अलाइनमेंट हो या ऑफसेट हो तब हम यूज करते हैं ओल्ड हेम्स कपलिंग का। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया कि विच ऑफ द फॉलोइंग शाफ्ट कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ओल्ड हेम्स कपलिंग, दैट इज द पैरेलल शाफ्ट। आई होप अब तक के लेक्चर्स में आपको मजा आया होगा और चीजें आपने सीखी होंगी, ठीक है। बार बार आप उसकी प्रैक्टिस करो क्योंकि चीजें बहुत ही आसान है, जिस मैनर में दी हैं आपको उसी मैनर में उनको सीखना होता है, समझना होता है। तो मेरे ख्याल से जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम चैप्टर वन को फिनिश कर देंगे। आप अपने शीट के क्वेश्चंस या जहां से भी आप क्वेश्चंस को लगा रहे हो, जिस भी बुक से, आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मैं चाहूंगा कि अभी आप बेसिक लेवल पे तैयारी करो, ये नहीं कि डायरेक्टली आप हाई लेवल पे चले जाओ, आप पहले बेसिक लेवल के जो इजी इजी क्वेश्चंस हैं जैसे यूथ पब्लिकेशंस के और शीट के क्वेश्चंस, इन सबको सॉल्व करिए। जब ये सॉल्व हो जाए तो तब आप अपने लेवल को बढ़ाइए, ठीक है। पहले आसान आसान क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो भी डाउट होगा उसको हम बाद में LDRC में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है, इसको जाके आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।